एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, यदि आप मौज एप्लीकेशन पर मौज फॉर क्रिएटर्स अप्लाई कर चुके हैं और काफी टाइम बाद भी अगर वो आपका रिजेक्ट हो चुका है तो उसको दोबारा अप्लाई कैसे करना है या फिर क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आज इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेलिंग में समझने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है और रोजाना सुबह 10 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव भी यहीं मिलते हैं। हम यहाँ पर मौज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले बताऊं कि मौज पर जितने भी क्रिएटर्स इस बार मिंट्स ले पा रहे हैं वो वही क्रिएटर्स हैं जो MFC से सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड MFC आता है, मौज फॉर क्रिएटर होता है इसका मतलब। अब मौज फॉर क्रिएटर है क्या, पहले आपको डिटेलिंग में मैंने बताया ना कि शुरू से समझाता हुआ चलता हूँ। देखो होता क्या है कि मौज प्लेटफॉर्म पर अपना एक प्लेटफॉर्म है जो अर्निंग का रिसोर्सेज बना रहा है अपने आप को, वो है MFC। ये मौज फॉर क्रिएटर लोगों को फंड देता है थ्रू मिंट्स और इन्हीं मिंट्स को लोग कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में अपने अमाउंट ले सकते हैं। ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको बताऊं, MFC अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, 18 साल प्लस होनी चाहिए, आप एक ओरिजिनल क्रिएटर होने चाहिए और आप जो भी वीडियोस बना रहे हो वो बहुत साफ क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस होनी चाहिए और किसी एक कैटेगरी में होनी चाहिए। ये नहीं कि डांस भी कर लिया, स्लोमो भी कर लिया, गाने भी गा लिए, ऑडियंस को भी इंट्रैक्ट कर लिया, स्टैंड अप कॉमेडी भी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक कैटेगरी। अगर आपका ये सब चीज़ें हो जाता है तो आप MFC में अप्लाई करते हैं। MFC में यदि आप अप्लाई कर लिया है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे बोलता है, या तो होल्ड ऑन टाइट आपका आ जाता है, या वेल बिगन इज हाफ डन आ जाता है, या ऑन द वे करके कुछ मैसेजेस आ जाते हैं। बहरहाल इन सभी मैसेजेस के बाद भी आप MFC से रिजेक्ट हो जाते हो तो दोबारा MFC में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आता। अब ये दोबारा क्यों नहीं आता मैं आपको बताऊं, कई चीज़ें मौज नोट करता है आपकी। अगर आपकी कैटेगरी एक दो चीज़ों में है, अगर आप दो तीन तरह की वीडियोस बना रहे हैं, डांस की भी बना रहे हैं, सिंगिंग की भी बना रहे हैं, स्टैंड अप की भी बना रहे हैं, कुछ हद तक है तो मौज इसको एक्सेप्टेबल मानता है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कौन किस कैटेगरी के क्रिएटर हैं तो मौज उसको भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, मौज इसके साथ आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा होता है, आप ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं या नहीं, आप डुप्लीकेट वीडियो तो नहीं कहीं से उठा के डाल रहे हैं, आपका कोई थर्ड पार्टी कंटेंट तो नहीं है। इस तरह से अगर आप कर भी रहे हो तो मौज ये भी देखता है उसमें कि उसमें कोई अब्यूज़ वर्ड तो यूज़ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन से अलग है, रूल से अलग हुई, तब भी मौज आपको नोटिस कर रहा है। बावजूद इनके अगर आपने सही काम कर रखे हैं और इसके बाद भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है तो भैया अभी आप 18 साल से ऊपर नहीं हो सकते हो। अगर इसके बाद भी रिजेक्ट हो जाती है तो मौज खुद नहीं चाहता, मौज चाहता है कि आप अपने आप को अपडेट करो, पहले चीज़ों को और ऐड ऑन करो, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करो। तो ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो जाता है अप्लाई करने का, लेकिन इसके बाद खुद मौज आपको कॉल करता है, आपको खुद बताता है जब आप वीडियोस बनाना शुरू कर देते हो, क्वालिटी अच्छी कर लेते हो, पहले की चीज़ें ख़त्म कर देते हो तो मौज आपकी प्रोफाइल को रिव्यू में चल रहा होता है और वो खुद आपको फ़ोन करता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारा MFC में आ जाएं, तो वो खुद आपको MFC फॉर्म देते हैं आपके व्हाट्सएप पर आके। तो ऐसे ही आप MFC में दोबारा आ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आ रही है आज की ये वीडियो उनके लिए पावरफुल है। आज के लिए बस इतनी दोस्तों, उन लोगों तक पहुँचाओ और वीडियो को एक लाइक करके जाओ। आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, ज़रा हमें पता लगना चाहिए भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। आज के लिए बस इतनी दोस्तों, जय हिंद।